टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय खिलाड़ी जल्द ही रवाना होने वाले हैं। 17 जुलाई को खिलाड़ियों का पहला जत्था भारत से टोक्यो रवाना होगा, जहां 23 जुलाई से खेलों के महाकुंभ की शुरुआत होनी है। पीएम मोदी टोक्यो ओलंपिक जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों से 13 जुलाई को बात करेंगे। कोरोना महामारी के कारण ये बातचीत वर्चुअल होगी। पीएम मोदी इससे पहले ओलंपिक दिवस के मौके पर भी खिलाड़ियों से बात कर चुके हैं। उन्होंने मन की बात में भी खिलाड़ियों के संघर्ष की कहानियों से देश के लोगों को अवगत कराया था। सरकार के जन भागीदारी मंच MyGov इंडिया ने ट्वीट करके पीएम मोदी की खिलाड़ियों से बातचीत के बारे में जानकारी दी। ट्वीट में लिखा गया था, माननीय पीएम मोदी 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाले ओलंपिक के लिए टोक्यो जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनसे बात करेंगे। वहीं इस बार ओलंपिक में पहली बार दो ध्वजवाहक होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से कहा गया है कि भारत आगामी टोक्यो ओलंपिक में पहली बार दो ध्वजवाहक के साथ उतर सकता है, जिसमें एक पुरुष और एक महिला होगी। भारतीय ओलंपिक संघ ने कहा कि इनके नामों का खुलासा जल्द ही किया जाएगा।